क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 का थर्ड क्वेश्चन है। तो हमको सीक्वेंस दिए है, ये सीक्वेंस एपी है या नहीं ये हमको बताना है, और ये सीक्वेंस एपी है तो इस सीक्वेंस के आगे के 3 टर्म हमको फाइंड करने हैं। तो इसलिए हम इसको पहले A1 A2 वैल्यू देते। A1 की वैल्यू है -1/2, A2 की वैल्यू है -3/2, A3 की वैल्यू है -5.2 और A4 की वैल्यू है -7.2। ओके, तो हम डिफरेंस चेक करते हैं। वी हैव A2 - A1 का डिफरेंस, A2 की वैल्यू है -3.2 -1.2, इसका डिफरेंस देखते हैं हम। डिफरेंस आ रहा है -3.2 और +1/2, इसका डिफरेंस आता 2। ओके, उसके बाद A3 - A2, A3 की वैल्यू है -5.2 -3.2, तो डिफरेंस देख सकते हैं हम, ये -2 आएगा, इसका आएगा -2 जाएगा। उसके बाद A4 - A3, A4 की वैल्यू है -7.2, उसमें से माइनस होगा और -5.2, तो ये आएगा -7.2 +5.2, तो ये डिफरेंस भी 2 आएगा। ओके, तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इन द गिवन सीक्वेंस द डिफरेंस इज सेम। तो ये डिफरेंस सेम है तो हम इसे एपी बोल सकते हैं। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, तो ये एपी फॉर्म करती है। तो हम इस टर्म के, इस सीक्वेंस के आगे के 3 टर्म निकाल सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स, A4 की वैल्यू है हमारे पास, A4 के आगे होगा A5 इक्वल टू A4 + D। अब A4 की वैल्यू है -7.2 प्लस होगा D की वैल्यू है 2 इक्वल टू आएगा -5.2। उसके बाद डिफरेंस +2 नहीं, डिफरेंस -2 है, हर एक डिफरेंस -2 है, तो ये भी माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -7.2 और -2 ये आएगा -9/2, -9.2। उसके बाद A6 इक्वल टू A5 + D, A5 की वैल्यू है -9.2 -2, ये आएगा -9.2 -2 इक्वल टू -11.2। ओके, तो उसके बाद आएगा A7 इक्वल टू, A7 की वैल्यू निकालते हम, A7 इक्वल टू A6 + D, A6 की वैल्यू है -11.2 -2 इक्वल टू, ये आएगा -2, ये आएगा -13.2। ओके,